हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम, इफ एवर आई सी। दिस इज अ पोइम अबाउट द वर्ड्स, सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। इफ एवर आई सी ऑन बुश और ट्री यंग वर्ड्स इन देयर प्रिटी नेस्ट, आई मस्ट नॉट इन प्ले स्टील द वर्ड्स अवे टू ग्रीट देयर मदर्स ब्रेस्ट। माई मदर आई नो वुड सोरो सो शुड आई बी स्टोलन अवे। तो इस पोइम में एक छोटी सी बच्ची है, ये देखो, ये वाली छोटी सी बच्ची है, ये कह रही है कि जब भी मैं कभी किसी झाड़ी में या किसी वृक्ष पे छोटे छोटे पक्षियों को उनके घोंसले में देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा उनके साथ खेलने का मन करता है, लेकिन अगर मैं उन्हें अपने खेलने के लिए वहां से चुरा लूं तो उनकी मदर को बहुत दुख होगा, क्योंकि अगर कोई मुझे मेरी मदर से चुरा ले तो मेरी मदर को भी दुख होगा, इसलिए मैं उनको वहां से चुराना नहीं चाहती। तो वो क्या कहती है आगे, सो आई विल स्पीक टू द वर्ड्स इन माई सॉफ्टेस्ट वर्ड्स नॉर हर्ट देम इन माई प्ले, एंड वेन दे कैन फ्लाई इन द ब्राइट ब्लू स्काई दे विल वर्बल अ सॉन्ग टू मी, एंड देन इफ आई एम सैड इट विल मेक मी ग्लैड टू थिंक दे आर हैप्पी एंड फ्री। तो अब देखो, वो बच्ची कहती है मैं उनको घोंसले से चुराऊंगी नहीं, इसलिए मैं पक्षियों से अपनी बहुत ही मीठी आवाज में बात करूंगी, मैं उनको बताऊंगी कि मैं अपने खेल के दौरान उनको कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी, जब वो उड़ सकेंगे तो मैं उनको नीले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दूंगी, और जब कभी मैं उदास हो जाऊंगी तो मेरे लिए वो वहां से गीत गाएंगे। It will make me glad to think they are happy and free. और मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि वो स्वतंत्र हैं और खुश हैं। It means मैं उनको आजाद देख के और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। इसलिए वो बच्ची चाहती है कि वो पक्षियों के साथ खेल भी सके और उनको कोई नुकसान भी ना हो, और वो उनको बिल्कुल फ्री और हैप्पी देखना चाहती है। है ना, बहुत अच्छी पोइम। आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।